कोरबा नगर पालिक निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने फल सब्जी स्वल्पाहार आदि के ठेलों गुमटियों पर पहुंचकर ठेला संचालकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरी बैग डिस्पोजल आदि का उपयोग न करने की समझाइश दी। इस दौरान प्लास्टिक कैरी बैग के वैकल्पिक साधनों सामग्रियों का उपयोग करने वाले ठेला संचालकों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। प्लास्टिक फ्री कोरबा अभियान में उनकी सहभागिता की सराहना की। शासन ने निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाले प्लास्टिक व उससे बनी सामग्री के निर्माण भंडारण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण साफ सफाई एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोरबा में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए आयुक्त कुलदीप शर्मा के निर्देश पर निगम द्वारा प्लास्टिक फ्री कोरबा का अभियान चलाया जा रहा है। इधर 50 माइक्रोन से ऊपर प्लास्टिक पर कार्रवाई जुर्माना के साथ समझाइश दी जा रही है। निगम अमले ने अब तक 1,00,000 से अधिक का जुर्माना वसूला है। ये प्लास्टिक कैरी बैग पर शासन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और उसमें 50 माइक्रोन से ऊपर कुछ ग्रेड फिक्स किए हैं, उस ग्रेड की प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने परमिट किया है। तो अभी हम जगह जगह पर जाँच कर रहे हैं, उसमें जहाँ भी हमको प्रतिबंधित प्लास्टिक मिल रही है उसके ऊपर हम जब्ती की कार्रवाई भी कर रहे हैं, आश्रंड भी आरोपित कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ प्लास्टिक के वन टाइम यूज डिस्पोजल लेवल ग्लास कटोरी चम्मच इन पर भी शासन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो इस पर भी हम व्यापारियों को समझा भी रहे हैं और जहाँ आवश्यक होता है वहाँ पर हम जब्ती की कार्रवाई भी करते हैं, आश्रंड भी आरोपित करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम नागरिकों से अपील करूंगा कि वन टाइम यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। प्लास्टिक पन्नी पॉलीथीन की जगह पर कपड़े के थैले जूट के बैग ही इस्तेमाल करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं। वहाँ पर एक तो गंदगी मिली और गंदगी के साथ साथ वहाँ पर डिस्पोजल ग्लास वगैरह काफ़ी मात्रा में दुकानों के सामने फैले हुए थे, तो उनको हिदायत भी दी गई कि डस्टबिन रखें, डस्टबिन में ही कचरा डालें। और उनके ऊपर आश्रंड भी आरोपित किया गया और वहाँ जितनी भी डिस्पोजल वगैरह मिले थे उन सबकी जब्ती भी कराई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।